नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में आपका स्वागत करता हूं। ये देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में सोमवार को क्या होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस पे आपको एक वीडियो बना के उसमें आपको बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी के अपने हाई को टच करेगी। तो आप यहाँ पर चेक करोगे, उसने हाई मारा है 43,905 के करीब, उसने हाई मारा है लास्ट फ्राइडे को, और उसका लाइफ टाइम हाई है फ्रेंड्स 44,178 के करीब उसने हाई है। तो अभी भी उसमें थोड़ा पॉइंट बाकी रह गया है 300 पॉइंट के करीब। ओके फ्रेंड्स, तो हो सकता है आने वाले वीक में ये उसको टच कर सकता है फ्रेंड्स वीकली चार्ट एनालिसिस में। और अभी निफ्टी के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है फ्रेंड्स 18,900 के करीब उसका हाई है, और उसने लास्ट फ्राइडे को हाई मारा था फ्रेंड्स 18,390 के करीब उसने हाई मारा है। तो यहाँ से करीबन करीब अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स, तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना पॉइंट बाकी रह गया है हमारा। अभी भी 500 पॉइंट दूर है फ्रेंड्स उसके लाइफ टाइम हाई से फ्रेंड्स निफ्टी में। तो आने वाले दिनों में ये भी अच्छी हो सकता है फ्रेंड्स वीकली चार्ट में। ओके फ्रेंड्स, अभी हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स डेली चार्ट में, डेली चार्ट में क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50 में। तो आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स, डेली चार्ट में लास्ट फ्राइडे को ये एक ग्रीन कलर में उसने क्लोजिंग दिया है, और उसके आगे के दिन में रेड कलर का क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर से ये बाइंग आई है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे। तो अभी हमें ये देखना है कि वन डे के चार्ट में क्या कर सकते हैं निफ्टी आने वाले दिन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर अगर इस यहाँ पर इसको ये ब्रेक करेगा और क्लोजिंग देगा, यानी 18,190 के करीब क्लोजिंग देगा, तो उसका टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 18,050-60 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में नेक्स्ट वीक में। और अगर फ्रेंड्स 18,390 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है अगर उसको, या मैक्सिमम पकड़ो 18,400, तो वो अपने लाइफ टाइम हाई के करीब जाने की कोशिश करेगा, जिसका लेवल आएगा 18,447, दूसरा आएगा 18,600। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में निफ्टी 50 का। अभी बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स डेली एनालिसिस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी लगातार ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और उसने फिर से यहाँ पे बाइंग आई। तो उसके लिए ये जोन रहेगा वो 42,600, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे वन डे के चार्ट में बैंक निफ्टी में। और अगर इसको ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, तो उसका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 42,100 के करीब जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भरपूर बना हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वो फिर से ऊपर जाएगा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। और उसने हाई मारा है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे को 43,906 के करीब उसने हाई मारा है, और अगर वो लास्ट फ्राइडे का हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है 43,900, तो उसका टारगेट आएगा पहला 44,180, सीधा जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। और अगर उसके ऊपर भी निकलेगा तो वो धड़ाधड़ ऊपर, पूरा आसमान उसके लिए खुला है, उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस उसको मिल नहीं रहा है, तो वो बहुत ही बढ़िया लेवल ले सकता है अपसाइड में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम ये देख लेते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में 15 मिनट की चार्ट में। इससे पहले फ्रेंड्स हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट में, तो एसजेएस निफ्टी -67 पे क्लोजिंग दिया है, US 30 -66 पॉइंट पे उसने क्लोजिंग दिया है। तो अभी हमें ये देखना है कि सोमवार को ये एसजेएस निफ्टी और US 30 का फ्यूचर क्या कर सकता है, वो भी माइनस में ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है या प्लस में ओपन होता है। वो जिस तरीके से ओपन होगा उसी के हिसाब से हमारा मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 15 मिनट की चार्ट में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। फ्रेंड्स, ये मैंने स्क्रीन पे 15 मिनट के चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स, तो उसका क्लोजिंग आया है फ्रेंड्स 43,793 के करीब उसने क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे। तो और हमारा ये मैंने जो रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ किया है, ये हमारा फ्रेंड्स रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि हमको ये पता चले। ओके फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर का लाइट कलर का रेक्टेंगल बनाया है, और यहाँ पे अगर फ्रेंड्स ओपन होता है हमारा बैंक निफ्टी इसी जोन में, जिसका लेवल मैं अभी बता देता हूँ आपको, जिसका लेवल अपसाइड में रहेगा 43,910 और डाउन के साइड में रहेगा 43,680। इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर 43,680 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट आएगा 43,600,
दूसरा डायमंड आ सकता है अपने 43,478 के करीब आ सकता है। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर भी सस्टेन होने के बाद फिर से उसको ब्रेक करेगा डाउन की साइड में, तो वो लास्ट फ्राइडे के लो को टच करने आ सकता है, जिसका लेवल रहेगा अपने 43,350 के करीब। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि डाउन से अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी वो थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, वो हम बाद में देखते हैं गैप ओपन गैप डाउन वाला, पहले हम ये देख लेते हैं रेक्टेंगल वाला। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है जिसका लेवल अपसाइड में रहेगा 43,900 को ब्रेक करता है अपसाइड में यहाँ इसी रेक्टेंगल में पैटर्न में ओपन होने के बाद, तो उसका पहला टारगेट आएगा 44,000 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 44,130 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी सोमवार को। और अगर फ्रेंड्स ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है यानी इसी जोन में ओपन होता है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ टाइम प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, कुछ रेंज बनने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक करता है उसी के दिशा में हमें कॉल या पुट बाय करना है। ओके फ्रेंड्स, और वैसे ही अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है तो हमें भी कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, कुछ रेंज बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो जिस तरफ ब्रेक होता है उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का सोमवार के लिए इंट्राडे का एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये मेरी एसजे ट्रेडर्स नाम की यूट्यूब चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए निफ्टी में अभी क्या हो सकता है फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है स्क्रीन पे, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स सोमवार को इंट्राडे में क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50 में। फ्रेंड्स, मैंने ये पहले से ही लेवल ड्रो करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो, तो अभी मैं आपको फटाफट लेवल बता देता हूँ सोमवार के लिए। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का क्लोजिंग आया है फ्रेंड्स 18,314 के करीब उसका क्लोजिंग आया है, यानी 300 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स निफ्टी 50 ने। और अगर फ्रेंड्स ये इसी जोन में ओपन होता है जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसका लेवल रहेगा फ्रेंड्स 18,343 और 18,290 के बीच में ओपन होता है, और उसके बाद में अगर वो 18,290 को ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 18,270 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,250 के करीब जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद टू टाइम सस्टेन करने के बाद अगर वो 18,240 को ब्रेक करता है तो वो लास्ट फ्राइडे के लो को टच करने के लिए जा सकता है, जिसका लेवल रहेगा फ्रेंड्स 18,200। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स इसी जोन में ओपन होने के बाद 18,350 निकलता है तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,350 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,390। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये लास्ट फ्राइडे का उसका हाई है फ्रेंड्स ये। ओके फ्रेंड्स, लास्ट थर्सडे का उसका हाई है, उस हाई को टच करने के लिए जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50 15 मिनट की चार्ट में सोमवार को। और यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अपसाइड नीचे डाउन की साइड में आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे उसका थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50। और अगर फ्रेंड्स निफ्टी 50 ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कुछ टाइम तक रेंज बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है, जिस तरफ वो ब्रेक करेगा रेंज बनने के बाद उसी दिशा में हमें ट्रेड लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।